तो हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं, जो कि मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था मशरूम एडी के बारे में। उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे मशरूम एडी के ऊपर कि क्या हमें इसको यूज़ करना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह। कुछ लोग कह रहे कि इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आज हम उसके बारे में QNA करने वाले, क्वेश्चन एंड आंसर। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, मैंने उस वीडियो में से कुछ कमेंट पिक किए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएंगे, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भी मिल जाएंगी। आप वो वीडियो पहले देख सकते हो, बाद में ये वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिए। तो फर्स्ट हम बात करने वाले ये प्रदीप भाई है। जो भी मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ उसकी आपको स्क्रीनशॉट साइड में दिखाई देंगी, तो आप पता कर सकते हो कि मैं कौन सी कमेंट बता रहा हूँ। तो ये प्रदीप भाई है, ये कह रहे हैं कि सही बात है भाई, मैं पछता रहा हूँ मशरूम एडी लेके। मैं रोज़ जिम करता हूँ बट मेरी बॉडी बन नहीं रही है। तो प्रदीप भाई, आप अगर एडी मशरूम लेके अगर आप जिम जाते हो या फिर आपको उससे बॉडी बनानी है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मशरूम एडी आपके बॉडी में जो हीट है वो तो बढ़ा ही देती है फर्स्ट, और आपकी सिर्फ ये भूख बढ़ा देती है, जिससे आप बहुत सारे कार्ब, प्रोटीन, मतलब जो कुछ भी आपको मिले वो आप खा लेते हो। इससे आपकी बॉडी क्या होंगी, फूल जाएंगी। तो आपको ज़्यादा भूख लगने के कारण आपके घर में जो भी होगा आप उसको खा लोगे, तो इस टाइप से आपकी मतलब ये बॉडी पे सिर्फ फैट जमा कर देता है, तो इससे आपकी बॉडी नहीं बन पाएंगी। तो आप अच्छे क्वालिटी का वे प्रोटीन वगैरह यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वे प्रोटीन वगैरह बाय करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके अच्छे क्वालिटी का वे प्रोटीन बाय कर सकते हो। अगर आपका बजट नहीं है तो आप रॉ वे प्रोटीन भी आप बाय कर सकते हो। तो नेक्स्ट कमेंट है उसके नीचे उमेश भाई का। तो उमेश भाई ने कमेंट किया है मराठी में, तो मराठी लैंग्वेज मुझे आती है। तो उमेश भाई ने मराठी में कमेंट किया है, भाऊ मी 4 डब्बे संपविले, 1 किलो वजन पण वाढले नाही, आणि त्याचा मोबाईल नंबर दिला आहे और उनका मोबाईल नंबर दिया आहे। तो चलिए अब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि भाई कह रहे हैं कि मैंने 4 डब्बे ख़त्म किए एडी मशरूम के, पर उनका 1 kg भी उनका वेट गेन नहीं। ऐसी बात है एडी मशरूम की, कभी कभी आपको कुछ कुछ बंदे को इसका रिज़ल्ट मिलता है और कुछ कुछ बंदों का इसको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। और आजकल गर्ल्स भी इसको बहुत यूज़ करने लगी है, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है कि आप इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह आपके लिए कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपकी जो बॉडी, आपकी फिजिक है वो आपके लिए अगर सब कुछ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, नेक्स्ट कमेंट है रानी का। तो ये रानी कह रही है कि आपने भी मशरूम एडी पाउडर लिया है तो आपके फेस पर पिम्पल क्यों नहीं आए। तो मैं मशरूम एडी पाउडर यूज़ नहीं करता, मैं एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन के वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन का रॉ वे प्रोटीन इसके बारे में बताया है। तो मैं अभी फ्लेवर वाला वे प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको वो बाय करना है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि उसको बाय कर सकते हो। तो गाइस, उसके नीचे एक कमेंट है, वो शुभम भाई है, रोकड़े नाम है उनका, शुभम रोकड़े। तो ये भाई कह रहे हैं कि भाई कोई भी ये पाउडर मत खरीदना, इसे छोड़ने के बाद पहले से भी ज़्यादा वेट कम हो जाता है। तो इतने सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं तभी मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है, तो मैं इसके लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला था। तो ये भाई कह रहे हैं कि जो आपका वेट है, अगर मेरा वेट 70 kg है तो अगर मैं इसको यूज़ करूँ और मैं इसको यूज़ करना बंद कर दूँ तो मेरा वेट 70 kg से भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये भाई ये कह रहे हैं आप आपके डाइट को अच्छी तरह से लीजिए, डाइट लीजिए और अच्छी तरह से वर्कआउट कीजिए, तभी आपका वेट वगैरह गेन हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट वगैरह जो सप्लीमेंट वगैरह है वो एक्स्ट्रा रहते हैं, अगर आपका बजट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डाइट से भी आपका नेचुरली वेट गेन कर सकते हो। तो नेक्स्ट कमेंट है श्रद्धानंद भाई का। तो ये श्रद्धानंद भाई ने पूरा एक ग्रंथ लिख दिया है। तो ये भाई कह रहे हैं कि भाई मेरा नाम श्रद्धानंद वैसा वैसा, तो ये भाई कह रहे हैं कि मैं मशरूम एडी के जो पाउडर है तो उसके बॉक्स में 1 lakh के, मतलब जो प्रोडक्ट है वो 1 lakh के प्रोडक्ट बेचता है, पिछले 12 सालों से बेच रहा हूँ, कोई कंप्लेंट नहीं आई अब तक, हर बार बैच का जो है वो लैब टेस्ट होता है, उसके बाद ही प्रोडक्ट मार्केट में आता है। लीगली किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कितनी टेस्ट और प्रोसेस होती है आपको शायद मालूम नहीं, पर दावा कर सकता हूँ आपको जो भी हर्जाना होगा वो आपको देना पड़ेगा। इसके बहुत सारी कमेंट्स है, तो मैंने इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये भाई कह रहे हैं कि आप, मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ, ये भाई मंथली 1 lakh के आसपास इनके प्रोडक्ट सेल करते हैं मशरूम एडी के। अगर मैं गलत जानकारियाँ दे रहा होता तो लोगों ने इतने सारे कमेंट नहीं किए होते,
काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम है पिंपल्स की, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने वो फर्स्ट वाला वीडियो बनाया था कि इससे बहुत सारे पिंपल्स होते हैं। मेरे दोस्त ने यूज़ किया था मशरूम एड को, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो अगर आपको अभी भी बाय करना है तो आप इसको बाय कर सकते हो। मेरा काम था आपको मतलब बताना कि ये प्रोडक्ट से आपको ये साइड इफेक्ट हो सकता है। कुछ कुछ लोगों को ही इसका साइड इफेक्ट होता है और कुछ कुछ लोगों को इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। हर एक को इसको रिज़ल्ट नहीं मिल सकता है, मतलब कुछ कुछ लोगों को ही इसका रिज़ल्ट मिल सकता है। वो मेरा दोस्त था, तो जो मेरा दोस्त था तो उसने इसको प्रोडक्ट को यूज़ किया था, तो वो 1 मंथ में ही बहुत सारी उसकी बॉडी पे फैट आ गया था। पर जब उसने खाना बंद कर दिया, मतलब उसके बॉडी पे जो पिंपल्स आ गए थे, फिर उसने खाना बंद कर दिया, जब उसने खाना बंद कर दिया तो वो जितना मतलब जो पाउडर लेने के बाद, मशरूम एडी पाउडर लेने के बाद जितना उसकी बॉडी थी वो पूरी मतलब कम होती गई। मतलब जितना था उससे अभी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब जितना पहले वीक था, मतलब बहुत ही उसकी लकड़ी थी पूरी शरीर की, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गई थी। और मतलब एग्जांपल के लिए अगर उसका इतना बाइसेप है तो उसका बाइसेप इतना इतना बड़ा हो गया था, फिर अब उसने बंद करने के बाद फिर से इतना हो गया। तो यही है मशरूम एडी की जानकारी। और गाइस, ये प्रीतम भाई बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी लोगों का वज़न बढ़ चुका है, मैं खुद भी ले चुका हूँ, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो इन भाई साहब को, प्रीतम भाई साहब को इस प्रीतेश भाई साहब को इसका कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह नहीं हुआ। तो हर एक को साइड इफेक्ट होना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके फेस, आपका मतलब और कहाँ पे साइड इफेक्ट होता है वो तो मुझे नहीं पता, हो सकता है लीवर, किडनी। तो अगर आपको, मेरे दोस्त को सिर्फ फेस पे हुआ था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था और मैं फेस के लिए ही बता रहा हूँ। अगर आपको बॉडी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके फेस से भी ज़्यादा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, आप इसको बाय कर सकते हो। इसकी प्राइस 400 के आसपास आपको मिल जाएंगी, तो आप इसको बाय कर सकते हो। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, घर वाले से पूछ लीजिएगा, अगर कुछ हुआ तो मुझे मत कहिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, अगर आपको ये वीडियो गलत लगा तो डिसलाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो सप्लीमेंट खाइए, बॉडी बनाइए। जय बजरंगबली, जय हिंद।